हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके एक्स की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, आपके एक्स क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। लेट्स सी, हम चेक करते हैं आपके एक्स क्या सोच रहे हैं, जिससे आपका रिलेशनशिप खत्म हो चुका है या जिससे भी आप कॉन्टेक्ट में नहीं है, वो क्या सोच रहे हैं इंसान आपके बारे में। जेंडर रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। अब एक्स से भी स्पेसिफिक जेंडर रीडिंग नहीं करती, लड़के हैं तो आप रीडिंग को अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, आपके एक्स क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके एक्स क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, एक्स की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, एक्स की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्स की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस वक्त, एक्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। एट ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है किंग ऑफ पैंटिकल एंड यहाँ पर है एस ऑफ वैंड। ओके, एंड यहाँ पे है एम्प्रेस, दी एम्प्रेस। ओके, ठीक है, आपके एक्स की करंट फीलिंग कोई एक न्यू स्टार्ट को लेकर लगी। आपके एक्स इस वक्त अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी में है। जब वो इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करके गए थे, वो एक स्टेबल स्टेज पे नहीं थे। उनकी लाइफ का एक इनिशियल टाइम था। इट मीन्स उनके कैरियर का इनिशियल टाइम हो सकता है। वो जब कैरियर को अपने स्टार्ट कर रहे होते हैं, इस वक्त आपके एक्स, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्टेबल हो चुके हैं। इट मीन्स एक अपने आप को, उनको एक स्टेबल फीलिंग्स आ रही है, वो एक स्टेबल पर्सन की तरह खुद को देख पा रहे हैं। लेकिन आपके एक्स जो हैं आपकी तरफ अभी तक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। उनकी अट्रैक्शन आपके लिए बरकरार है। वो आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पावर में देख रहे हैं। आपके एक्स आपके बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उनका एक आपको लेकर वो दिन में एक बार ज़रूर सोचते हैं। मुझे आपके एक्स बिल्कुल सिंगल नज़र आ रहे हैं उनकी लाइफ में। अगर उन्होंने कहा था, वो ये कैरियर फोकस पर्सन है, इसके गोल्स बहुत ज़्यादा हैं और ये सिर्फ गोल्स को ही अचीव करना चाहता था। एक स्ट्रगल है, इसने बचपन में कोई स्ट्रगल फेस करी अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ये सेल्फ मेड है। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँगी, किसी के कंधे पे बंदूक रख के इसने नहीं चलाई। ये किसी ने इसको किसी इसने किसी ऐसे पर्सन को इंटरटेन नहीं करा जो इसकी फाइनेंशियल लाइफ को बूस्ट दे सके, जो इसकी फाइनेंशियल लाइफ को प्रोटेक्शन दे सके या इसकी फाइनेंशियल लाइफ में कोई इसको सक्सेस दिलवा सके। इट मीन्स इसने जो भी करा ये सेल्फ मेड है। ये जिस मुकाम पर है, ये जिस पोजीशन पे है, उसके लिए इसकी खुद की मेहनत है। ये किसी और में इसकी इस जगह को, आप किसी और को इस जगह जहाँ पे ये पहुँचा है, क्रेडिट आप किसी और को नहीं दे सकते, आपके एक्स की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके शक और शुभात, क्या कहते हैं एक हिंदी लैंग्वेज में, आई डोंट नो, शक शुभात कुछ ऐसे ही ना, ऐसे ही है, हाँ। इट मीन्स आपके डाउट्स बहुत हैं इस पर्सन के ऊपर, हम इंग्लिश में आ जाते हैं। ठीक है, आपके एक्स के आपके आपके डाउट्स हैं, आप नहीं जानते क्योंकि इस पर्सन ने वॉक अवे क्यों किया। आपको आपको रहता है कि इसने आपको सही रीज़न दिया था या नहीं, आपको नहीं पता। इस पर्सन के ड्रीम्स बहुत, इसके गोल्स बहुत, इसका फोकस बहुत अपनी चीज़ को लेकर, अपने अपने मनी को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, लेकिन ये अट्रैक्टिव है आपकी तरफ। इस बात को भी आप डिनाई नहीं कर सकते। इसकी अट्रैक्शन आपके लिए हायर लेवल की है। इट मीन्स आपके साथ कोई बिगनिंग करना चाहता है। कोई अभी भी उसको ऐसा लगता है, जो एक गुम हो गई थी केमिस्ट्री, उसको जगाने के लिए कुछ करना चाहिए। तो उसको ऐसा लगता है कि आपको कोई स्टेबल ऑफर देना चाहिए। आपके एक्स की एक्स ये कोई मुझे बहुत पुराना एक्स नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है 8 मंथ्स पहले आपका रिलेशनशिप एंड हुआ हो। किसी का 1 मंथ पहले, किसी का यहाँ पर 2 मंथ पहले, किसी का 3 मंथ पहले, किसी का 6 मंथ पहले या किसी का 7 मंथ पहले। आपके एक्स इंटरेस्टेड हैं आप में, मैं आपको बता दूँ, ऐसा नहीं है। या वो इस वक्त, वो अगर खुद को अभी इस वक्त, 1 साल पहले का रिलेशनशिप हो सकता है, इस वक्त वो खुद को बहुत ज़्यादा स्टेबल समझ रहे हैं, तो वो इस पेंटिकल को इस किसी ऑफर को लेकर आपकी तरफ आना चाहते हैं। खाली हाथ आपको अप्रोच नहीं करना चाहते। ठीक है, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं। लेकिन वो अट्रैक्टिव हैं, आप उनको अपनी लाइफ में एक वन एंड ऑनली की तरह लगते हैं। आप उनको ऐसा लगता है कि आप और सिर्फ आप, इट मीन्स आपकी जगह कोई नहीं ले सका उनकी ज़िंदगी में। बहुत से लोग आए गए, लेकिन थिंकिंग उनकी जो डे नाइट थिंकिंग जो रहती है वो आपको लेकर रहती है। बहुत ज़्यादा जो कंटिन्यूसली वो जो सोचते हैं वो सिर्फ आपको सोचते हैं। ठीक है, आप उनको याद आते हैं। क्लारीफाई एट ऑफ कप्स,
आपके एक्स की करंट फीलिंग्स आपके लिए। लोग होते हैं बहुत ज़्यादा स्टक होते हैं, मुझे आप भी यहाँ पर सिंगल नज़र आ रहे हो और आपके एक्स भी मुझे सिंगल ही नज़र आ रहे हैं, मतलब कि आपने भी अब तक किसी और को इंटरटेन नहीं करा है। 10 of cups, ये पर्सन आपके साथ एक कंप्लीट फैमिली चाहता है, कंप्लीट लाइफ चाहता है। यहाँ पे जंप हुआ था 10 of cups, ये पर्सन आपके साथ एक विश फुलफिलमेंट चाहता है। क्लैरिफाई 8 of cups, कन्फ्यूजन, ओके ठीक है, कन्फ्यूज है ये पर्सन, कन्फ्यूजन है, ड्यूअल माइंडेड है ये पर्सन, ठीक है। मैरिज कमिटमेंट ऑफर, ऐसा हो सकता है आपका रिलेशनशिप इसलिए ख़राब हुआ हो क्योंकि ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट, कोई स्टेबिलिटी नहीं दे रहा था, कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा था, ठीक है। कोई यहाँ पर आपके बीच, यहाँ पर जो रिलेशनशिप जो एंड हुआ, यहाँ पर मुझे यहाँ पर कोई कमिटमेंट इशू लग रहा है, या तो कोई यहाँ पर स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा रही हैं, इसकी ज़िंदगी में मैरिज प्रायोरिटी नहीं। इट मीन्स जब तक ये ख़ुद को सेटल ना कर ले, इसकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा रही हैं। प्रायोरिटीज़ के साथ साथ इसकी ज़िंदगी में मुझे इसके इसकी लाइफ में इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोग भी नज़र आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, चार्मिंग हो, ये पर्सन बहुत खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो, अगर लड़की है तो हेयर्स, नोज़, बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत पर्सनालिटी का ये पर्सन हो, या लड़की हो या लड़का हो, ठीक है। लेकिन ये जो भी पर्सन, ये लड़की है या लड़का, बहुत ज़्यादा मेच्योर, एक वाइज डिसीजन मेकिंग करने वाला पर्सन, जो बहुत ज़्यादा एक मेच्योरली सोचता है, जिसकी सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा तेज़ है, जो आने वाले फ्यूचर को बहुत ज़्यादा एक कम्प्लीटली ये सेटिस्फाई होके जो गुजारना चाहता है, ठीक है। इट मीन जो उस पर्सन ने खुद अपनी ज़िंदगी में परेशानियाँ देखी, वो अपने किड्स को या वो अपनी लाइफ में आने वाले मेन पर्सन को वो परेशानियों से नहीं गुजारना चाहता, उन वो नहीं चाहता जो उसकी ज़िंदगी में आए वो स्ट्रगल देखे जो उसने खुद ने देखी है, ठीक है। कोई ऐसा वाइस पर्सन है जो बहुत ज़्यादा स्टेबल माइंडेड, या आपको बहुत ज़्यादा ओपन अप होकर ना अपनी फीलिंग्स बताता है, ना अपने जज्बात का इजहार करता है, ये क्यों गया, इसने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए आपको ना क्लैरिफिकेशन दी होगी ना कुछ दी होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक वाइज डिसीजन मेकर है। ये किसी लालच की गर्ज या खुद गर्ज नहीं है, किसी ऐसी चीज़ के पीछे नहीं दौड़ता जिसकी सेल्फ मेड ना हो, ये अपने आप को बनाने के लिए मेहनत इसने की है, इसकी स्ट्रगल इसकी इसके साथ रही है। लेकिन इसके इर्द गिर्द चॉइसेस हैं, इससे बहुत से लोग कनेक्ट होना चाहते हैं। ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, जो आपके एक्स हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं इसकी ज़िंदगी में इर्द गिर्द इसके बहुत से लोग हैं। ये जहाँ काम करता है वर्क प्लेस पर, या इसकी लाइफ में वैसे भी ऑप्शंस बहुत हैं, सिर्फ आप नहीं हैं, इसकी ज़िंदगी में बहुत से लोग हैं जो इसके साथ मैरिज के ख्वाहिशमंद हों। और ये आपका इस वक्त मुझे एक्स जो लग रहा है, इस वक्त कंफ्यूज नज़र आ रहा है। इट मीन्स ये इस वक्त आप ये कहेंगे कि ये आना चाह रहा है, तो आने वाली पोजीशन पे मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको कोई गलत बात नहीं कहूँगी, लेकिन ये मुझे इस वक्त आपको अप्रोच करने वाली पोजिशन पर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि इसको मैरिज के लिए स्टेबिलिटी चाहिए और हीलिंग, ठीक है। स्टार, आप इस वक्त खुद को हील कर रहे हैं, जो भी आप लोग का ब्रेकअप हुआ, जो भी आप लोग की एंडिंग हुई, आप इस ब्रेकअप के बाद बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रहे हैं। इट मीन्स आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस सिचुएशन के बारे में, कहीं ना कहीं ये पर्सन भी सोच रहा है, लेकिन आप खुद को हील कर रहे हैं इस वक्त। आपका जो इस वक्त का जो टाइम है ना, वो एक आप आइसोलेशन का टाइम है, आप अपना टाइम अपने साथ गुजार रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन मुझे सोचता हुआ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं है ये पर्सन के इसने आपको छोड़ दिया है, कन्फ्यूज है, इसने आपको सच में नहीं छोड़ा है, ये सिर्फ आप प्रैक्टिकली देखने से छोड़ दिया, लेकिन आप इसके दिल दिमाग में इसकी इसकी सोचों में गुम हैं। लेकिन ये जानता है आपको कोई स्टेबल ऑफर चाहिए, आप इससे कोई स्टेबल ऑफर एक्सपेक्ट करते हैं, ये इस पर्सन के पास क्लैरिटी है, आपको इससे स्टेबल पर्सन स्टेबल ऑफर चाहिए। और इस पर्सन की लाइफ में, वेट में पानी पी लूँ, इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, इसकी जिंदगी में डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट जिम्मेदारियां हैं, फैमिली, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना कैरियर, अपने गोल्स, उसके अंदर आप भी हैं। आप अगर बोलेंगे कि आप इसकी प्रायोरिटी पे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप प्रायोरिटी नहीं है। जिस वक्त आप प्रायोरिटी बनेंगे, ये आपको अप्रोच करेगा, ये आपके साथ कनेक्ट होगा। ये इमेच्योर पर्सन नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये इमेच्योर पर्सन नहीं है, ये आपको अप्रोच करेगा, ये आपके साथ कनेक्ट होगा। इसने कोई आपका ऑफर, आपने कोई उसको ऑफर किया जिसने समझा नहीं, जिसने रिजेक्ट किया, बिल्कुल मुझे यहाँ पर ड्यूअल माइंडेड में ही नज़र आ रहा है। इसको लग रहा है कि सही टाइम पर ये आपको अप्रोच करेगा, ये टाइम इसकी सोच में, इसकी नज़र में नहीं है आपको अप्रोच करने का, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये, आप ही आप खुद को हील कर रहे हैं यहाँ पर।
आप खुद को हील कर रहे हैं, आप खुद को यहाँ पर हील कर रहे हैं, खुद को खुद की सेल्फ के साथ हैं, आपका आइसोलेशन का टाइम है। कहीं ना कहीं आप लोग के बीच ये सेपरेशन आया है, ठीक है, ये एंडिंग नहीं है, ये एक्स नहीं हुआ है आपका, ये सेपरेशन है आप लोगों का। नाइन ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल ये सिंगल है इस वक्त, अपने कैरियर पे फोकस है, ये आपको स्टेबल ऑफर देना चाहता है, लेकिन इसकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, इसकी लाइफ में इसके पास कुछ गुड न्यूज़ है, इसकी लाइफ में कुछ सक्सेस न्यूज़ है जो ये आपको बताना चाहता है, कहीं ना कहीं सक्सेस हासिल कर रहा है ये अपनी ज़िंदगी में, जहाँ जिस जिस पॉइंट पर था उससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, इतनी से कामों वाटे की तरफ। अगर इसकी लाइफ में पास में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही है मनी को लेकर, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ की लाइफ सिचुएशन और कैरियर को लेकर, ये बहुत ज़्यादा अब कामर वाटर की तरफ मूव कर चुका है, इसकी लाइफ में बहुत आसानियां आ चुकी हैं, कोई एक कोई न्यूज़ है इसके पास, सक्सेस न्यूज़ है, इसकी ज़िंदगी में कुछ इसने अचीव किया है, ठीक है, सिंगल है लेकिन अपनी अपनी अचीवमेंट्स अपने ऊपर वर्क कर रहा है। इसको ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आएगा, अभी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं लेकर आए, तो यहाँ पर फिर ड्रामा होगा, आप लोग के बीच फिर आर्ग्यूमेंट होगी, फिर आप लोग के बीच यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पर जो भी इसके पास ऑप्शंस हैं, जो भी इसकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ हैं, अभी भी उलझा हुआ है, अभी भी इसके जो जो भी इसकी ज़िंदगी में चीज़ें हैं वो सॉल्व नहीं हुई हैं, अभी भी उलझा हुआ है, अभी भी एक उलझन इसकी ज़िंदगी में बरकरार है, इसकी उलझन में कोई कमी नहीं आई है, ठीक है। आपसे कम्युनिकेट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये वहाँ से फ्री नहीं हुआ है, ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोचता है, ये आपके बारे में, ठीक है, आपको ये किसी और की तरफ नहीं जाने देना चाहता, ये नहीं चाहता कि आप किसी और को एंटरटेन करें, आपके लिए पॉजेसिव भी है, ठीक है, एक पॉजेसिव एनर्जी इस पर्सन की, लेकिन इस पर्सन की नज़रें बनी रहती हैं, दूर रहकर देखता है, करीब आकर कभी आपको अप्रोच नहीं करता, क्योंकि ये अभी स्टक है, जो भी सिचुएशंस इसकी ज़िंदगी में चल रही है स्टक है, अप्रोच क्यों नहीं कर रहा जब तक ये कुछ सॉलिड नहीं देगा, वरना आप लोगों के बीच फिर आर्ग्यूमेंट होगी, फिर आप लोगों के बीच कोई ना कोई लड़ाई रहेगी, फिर आप लोगों के बीच कोई ना कोई मसला रहेगा। बिल्कुल स्टॉकिंग एनर्जी है, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, बहुत ज़्यादा विजडम है इसके पास, ये जानता है, आप इससे ट्रुथ चाहते हैं, आप इससे क्लैरिटी चाहते हैं, जो भी आपका एक्स है आप इसके साथ बहुत ज़्यादा क्लियर कट बात, क्रिस्टल क्लियर, कोई ना कोई आप क्लैरिटी चाहते हैं, कोई ट्रुथ, आपको अब टेबल पर ट्रुथ चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको आप ट्रुथ बेस्ड बात करना चाहते हैं, ट्रुथ बेस्ड बात सुनना चाहते हैं, ठीक है। हायरोफेंट, यहाँ पर एक बात बोलूँ, इसकी मैरिज की तैयारी है, या आपको कोई कंप्लीट फुलफिलमेंट ऑफर देगा जब भी आपकी लाइफ में आएगा, ये आपका एक्स, आपके एक्स की जो करंट फीलिंग्स हैं आपकी तरफ आने की हैं, लेकिन अपने जो लाइफ का जो बर्डन है, अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ नहीं आना चाहता, उनको ख़त्म कर आना चाहता है। बिल्कुल कोई टेक्स्ट कॉल आपको ज़रूर मिलेगा इस पर्सन की तरफ से, लेकिन जो भी इसकी लाइफ में जो ये चल रहा है मैस, उसको क्लियर कर ले, बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में, ये आपके बारे में ही आपके पास स्टक है ये पर्सन, हैंगमैन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका एक्स हो चुका है, तो यहाँ पर जजमेंट, यहाँ पर डिवाइन से प्रेयर कर रहा है सिचुएशन में, एक एक यहाँ पर बैलेंस करने के लिए, यहाँ पर एक सिचुएशन को क्लियर करने के लिए, आपके साथ मिस करता है आपको, आपको ये खोना नहीं चाहता। अगर आप स्टक हैं अब तक आपके एक्स पे, ये भी आपके ऊपर ही स्टक है, लेकिन आपको कुछ कुछ जिसके अंदर वैल्यू हो, कोई ऐसा ऑफर देना चाहता है जिससे आप सेटिस्फाई हो सके, जिससे यहाँ पर ये चीज़ें अगर आपको दे तो आप यहाँ पर सेटिस्फाई हो सके, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि आप वो पर्सन हैं, आप फैमिली पर्सन हैं, आप फैमिली ओरिएंटेड हैं, आपको ये ऑफर देना चाहिए, क्योंकि इसके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, इसको कोई आपके बराबर का, आपके आपकी जो एनर्जी फील्ड का मैच करता हुआ, या आप जिस तरीके के पर्सन है, ऐसा ऑफर आज तक इसको कोई दिखा ही नहीं है जिसको वो इस तरीके का ऑफर प्रोवाइड करे। आप इसकी ज़िंदगी में सबसे मुख्तलिफ है, सबसे डिफरेंट है, ठीक है। स्ट्रक है ये पर्सन आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा स्ट्रक है ये पर्सन, आपके साथ फैमिली चाहता है। टेन ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ विश फुलफिलमेंट चाहता है, एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। एस ऑफ कप्स, ये न्यू बिगनिंग चाहता है, जो भी है यहाँ पर सब क्लियर करना चाहता है, ये फैमिली, यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, तो फैमिली को ही अपने आप की तरफ लेकर आना चाहता है। ये पर्सन जानता है आप हार्ट ब्रोकन है, इसने आपको हर्ट किया है, ये जानता है कि इस ये कम्युनिकेशन यहाँ पर इस आपकी तरफ होना लाजिम है। आप अगर ये आपसे कम्युनिकेशन करता है, तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें रिजॉल्व होंगी, इसको पता है इसको आपकी तरफ बढ़ना है किसी एक ऑफर के साथ। यहाँ पे जो भी आप लोग के बीच एक 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 ड्रामा, एक साइलेंट ट्रीटमेंट, यहाँ पे जो एक फीलिंग ऑफ लॉस आया है, वो ये सडन कोई आपको अप्रोच कर कर ये चीज़ ख़त्म करेगा। यहाँ पर सडन ये आपकी तरफ कोई डिसीजन मेकिंग करेगा, आपको कोई ऑफर प्रोवाइड करेगा, सडनली आपको कोई टेक्स्ट
देखें डिसीजन मेकिंग होगी यहाँ पर, सडनली यहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग होगी और आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग, फूल एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट होगी। या आपका एक्स आपका फ्यूचर भी बन जाएगा, फ्यूचर पार्टनर की तरफ ये आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ठीक है, जिसके साथ आप अपना फ्यूचर देख सकें, इस तरीके का ये पर्सन बनकर आएगा आपकी लाइफ में। आपके लिए एडवाइस क्या है सिचुएशन में, प्लीज एंड जस्ट स्पीड का एक मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है, मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए। आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, आप स्टक हैं, आप वेट कर रहे हैं, लेकिन इमोशनल लॉस है आपको, आपको ऐसा लग रहा है आपको अब आपको यहाँ पर होप्स ख़त्म होती जा रही है, आपको कोई होप नज़र नहीं आती, आप दूर दूर तक देखें आपको ऐसा लगता है कोई होप नहीं है, ये पर्सन नहीं आ सकता, ये पर्सन नहीं आएगा वापस, आपको ऐसा लगता है ये। अब अगर आप ऐसी बात सोच रहे हैं तो खुद को दिलासा दे रहे हैं, खुद को झूठ बोल रहे हैं। सिचुएशन जो चल रही है स्टॉर्म्स, सडन यहाँ पर इस पर्सन की एंट्री होगी आपकी ज़िंदगी में, एक सडन एंट्री, ठीक है, माउंटेन। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के बीच ऑब्स्टिकल्स हैं, इस बात को अंडरस्टैंड करें, इसकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो इसको आपकी तरफ आने से रोकता है, मोशन यहाँ पर, मोमेंटम, इट मीन्स यहाँ पर कोई एक्शन आपको देखने का मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पर हवाओं का रुख बदलेगा आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। टू मेक इक्वल, ये पर्सन हर चीज़ को इक्वल करना चाहता है। अगर आप लोग के बीच ऐसा मुझे लग रहा है, यहाँ पर कोई सडन आप लोग का रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, सडनली यहाँ पर चीज़ें आप लोग के बीच डिफरेंट हुई है, लेकिन कुछ इक्वल आप लोग के बीच होने वाला है, आप लोग के बीच डिफरेंसेस हैं कास्ट कल्चर रिलीजियस, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर इक्वल होने की नीड है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। कंपैशनशिप, ठीक है, कंपेनियनशिप, ये पर्सन आपको कंपेनियनशिप दिखाएगा, इट मीन्स लेक डेप्थ। आप और ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, इन डेप्थ कनेक्टेड हैं, एक डेप्थ है इस रिलेशनशिप की जो आप फील करते हैं इस रिलेशनशिप में, एंडिंग होने के बावजूद आप इस लेक एक डेप्थ को फील कर पाते हैं, आपको जो उसके साथ जो कनेक्शन है इन डेप्थ फील होता है, आपके दिल की गहराइयों से आप ये रिलेशनशिप को फील कर सकते हैं ख़त्म होने के बावजूद। अब आपको ऐसा लगता है यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, ये पर्सन कभी आपके लिए कोई स्टेप नहीं देगा, आप अपने इमोशंस की लिड बंद कर चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है आप यहाँ पर एक थक हार के आप हार मान चुके हैं, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन कभी आपके लिए था ही नहीं, या कभी आपके लिए इसने अगर इसने कुछ नहीं कहा। सबसे ज़्यादा मैं आपको एक हिंट दे दूँ, ये ऐसा पर्सन है इसने कभी आपसे अपनी अब खुलकर अपनी फीलिंग्स का अपने लव का इजहार नहीं किया। ये उन लोगों से रेजोनेट होगी जो पर्सन बहुत ज़्यादा साइलेंट रहा, साइलेंट, एक साइलेंट लव, आपको वन साइडेड लव लगा स्टार्टिंग से इस पर्सन के साथ। ये हर कोई पर्सन आएगा और बोलेगा ये हमारी स्टोरी तो नहीं, एक साइलेंटली इस पर्सन के साथ आपकी जर्नी रही है, आपको कभी समझ में ही नहीं आया ये आपसे लव करता है या आपसे चाहता है क्या, ये अगर ये आपने अट्रैक्टिव है तो किस वजह से अट्रैक्शन है, इट मीन्स कभी इसने आपके साथ अट्रैक्शन का इजहार नहीं किया, मुंह से कुछ नहीं बोला, इट मीन्स कोई एक्शन नहीं लिया कि आपको जिससे फील हुई आप में इंटरेस्टेड है, इसलिए अब आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप हिम्मत हार चुके हैं, अब आपको ऐसा लग रहा है अब यहाँ पर आपको कोई यहाँ पर आपको एक कुछ देखने को नहीं मिल सकता, आप यहाँ पर एक सैड हैं, अब आपको यहाँ पर कोई होप नज़र नहीं आ रही, आप खुद को हील तो कर रहे हैं लेकिन आपको इस रिलेशनशिप के लिए कोई होप नज़र नहीं आ रही कि यहाँ पर कुछ चेंज होगा, कुछ बदलेगा, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में द कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।